जानती हो कि दुनिया में इतने झूठे हुआ है, इतनी छोटी बातें बताते हैं, आप लोगों से पैसा मांगते भिखारियों जैसे। ये गुरु कैसे हो सकते, तो आपके नौकर होंगे, नहीं तो भिखारी होंगे जो आपके पास रहते हैं। मैं अगर आपको पैसा दूं तो क्या आप उसे ले लेंगे? आत्मसम्मान नहीं, दूसरों के पैसे पे जी रहे हैं और आप उनको पैसे पे पैसे चढ़ाए जा रहे हैं। पैसे से कभी परवाह कर नहीं सकता, उसको तो बेचारे को पैसा भी समझ में आता, उसको क्या बैंक पता है? ये तो आपका सर दर्द है, पैसा, बैंक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, परमात्मा का इसके क्या संबंध? और ऐसे झूठे गुरुओं के पीछे पड़ करके, और आप, मैंने देखा है लोग, हाँ मेरे दिमाग में उसे आया है 1,25,000 आपको नाम सवाल आपको इतना नहीं आता तो परमात्मा को पाई सवाल आप नाम। एक गुरु ने मुझे बताया है कि तुम इस पे पहाड़ पे चढ़ो, 7 मरतबा और 7 मरतबा और एक आदमी पानी मत पियो, थोड़ी कर। और किसी गुरु ने बताया कि तू ला करके मुझे 1,25 तोला सोने दे, नहीं तो 1,25 तोला सोना दे, फलाना दे, ठिकाना दे, ये कर दे, वो दे। मुझे तो लगता है कि अच्छे देना चाहिए, उसके बगैर ठीक नहीं होने वाले। और आप उनको इतने देते हो, इतनी श्रद्धा, मेरे क्या गुरु है, क्या करते नहीं, ऐसा कुछ करते, सिर्फ सेवा की पेटी है वो, तो उस पैठे के ऊपर कुछ बोलते नहीं, वो बोलते नहीं मौनी है। और फिर तुम वहां क्या समझ जाते, नहीं वहां सेवा की पेटी है माँ, उसमें आप चाहे दो डाल, चाहे भी डाल, आप चाहे 1 रुपया डाल दो, चाहे 1 लाख डाल दो, या 50 डाल दो, उनको सब मान्य है। वाह बहुत ही अच्छा है। और इसलिए धर्म से लोगों की श्रद्धा हटती ही जाएगी, क्योंकि ये कोई धर्म हुआ? पैसे कमाने के धर्म नहीं। इसी प्रकार सारे धर्मों में आजकल सारे धर्मों में गड़बड़, हमारे क्या मंदिरों में कम है कि मस्जिदों में कम है कि गुरुद्वारे में कम है, कहीं पर भी मुझे नहीं दिखाई देता कि सच्चाई से उस परमात्मा की प्रार्थना। हाँ भक्त लोग सच्चे, भक्त लोग सच्चे वो जाते बेचारे बड़े भक्ति से जाते, इसमें कोई शक, लेकिन जो वहां बैठे हुए हैं उनकी दृष्टि और जगह, उनकी दृष्टि और जगह, अगर उनकी दृष्टि ऐसी हो परमात्मा तो इन भक्तों को कुछ दे तो जरूर काम हो जाएगा, जरूर काम बन जाएगा। लेकिन मैं सब दुनिया देख चुकी, अब मुझे लगता है कि इंसान ने धर्म अपने जेब में डाल लिया और उसको जैसा चाहे वैसा करता है। और हमारे बच्चे अब कह रहे कि ये क्या धर्म हुआ तुम्हारा, इसको क्या धर्म करते हो, हर तरह की शराब तुम पीते हो, हर तरह के धंधे तुम करते हो, चोरी करते हो, चकारी करते हो, हमको परेशान करते हो, ये कोई धर्म हुआ? कोई सा भी आप धर्म तो देख लीजिए, किसी भी धर्म में आज कोई मनुष्य खड़ा है तो वो ये नहीं कह सकता है कि इस धर्म का आदमी खराब नहीं है, या इस धर्म का आदमी कोई बात नहीं करता है, या इस धर्म के आदमी ने कभी भी कोई ऐसी दुष्ट बात नहीं करी, किसी पे कोई धर्म का बंधन ही नहीं पड़ता। इसका मतलब धर्म अंदर से जागरूक है। यह जो कुंडलिनी है, यह जो कुंडलिनी, यह आपके अंदर वो धर्म जागरूक करते, फिर आप भी संत हो जाते हैं, आप खुद ही उस धर्म में जागरूक हो जाते हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं ही उस धर्म में उतर आते हैं और धर्म आपके अंदर जागरूक हो जाता है। इसके बारे में सब ने कहा है कि अपने ही अंदर उसे जागरूक, तब फिर जो विश्व धर्म है उसको आप समझेंगे कि विश्व में एक ही धर्म है और वो धर्म ये है कि परमात्मा का और हमारा संयोग, यही एक इस योग के सिवा और कोई धर्म नहीं। जब ये हो गया तो सब कुछ मिल गया। जब तक इस बिजली का कनेक्शन नहीं होगा तो क्या ये बिजली जलेगी? जब तक इसका कनेक्शन नहीं होगा तब तक ये काम करेगा? इसी तरह से आपका कनेक्शन उससे हो जाए, योग घटित हो जाए, आपके जीव का परमात्मा से संबंध हो जाए, इस परम चैतन्य से संबंध हो जाए, इसके अलावा और कोई चीज की जरूरत नहीं। तो सारा धर्म आपके अंदर उतर आएगा, सारा शास्त्र आपके अंदर उतर आएगा, सारा ज्ञान आपके अंदर उतर आएगा, सारा सत्य आपके अंदर आ जाएगा और आप आनंद में ही डूबते रहेंगे। और ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट में आ गया हूँ, ये सारी चीज सामने चली आ रही, सब चीज हुए जा रहे, ये कैसे हो रहा, ये चीज कैसे बन रही।
ये चीज कैसे होनी। इसके लिए पहले सिर्फ आप इतना ही सोचे कि माँ आज हमें आप जागृति दे दीजिए, हम जागृति चाहते हैं, बस उसकी कोई बात नहीं, इतनी इच्छा आप लोग करें और ये कार्य हो जाए। आशा है आप लोग सब तैयार हैं और अब थोड़ी देर में हम चाहेंगे कि आपको साक्षात्कार की प्रक्रिया करें। उसमें कुछ करना नहीं, जो कि सहज है, अपने आप ही घटित होती है, जीवन प्रक्रिया है। जैसे बीज को आप जमीन में छोड़ दीजिए, अपने आप घटित होता है कि उसमें से अंकुर निकला, ऐसे आपकी भी क्रिया होगी। लेकिन मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगी कि आपके चक्र आप किस तरह से समा। बस आप लोगों को सवाल तो जरूर होंगे क्योंकि दिमाग तो चलते ही रहता, दिमाग नहीं ठहरने वाला, पता है बहुत से सवाल लोग पूछते रहते। इसलिए मैं कहूंगी कि आप मुझे सवाल लिख करके दे दीजिए और कल कहाँ पर है प्रोग्राम, अब रामलीला ग्राम में मैं आपको उत्तर दे दूंगी। अच्छा, तो आप शांति से बैठे। पहली बात कि अपने प्रति एक प्रसन्न चित्त, पहले ये कि तुम बारिश हो, तुमने ये काम किया, ये सब बेकार बातें हैं, कोई याद नहीं। अरे मनुष्य तो गलती करेगा, कोई परमात्मा गलती करते हैं? तो मैंने ये किया, मैंने फलानी गलती करी, ये सब भूल जाइए, ये अच्छी बात है, पिछला सब भूल जाइए, भूतकाल सब, कोई भी गलती करी कुछ भी आपने किया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दरबार में आए हैं, बस यही बहुत बड़ी बात है। तो जो अपने को दोषी समझते हो तो सोचना चाहिए कि अभी अगर आप दोषी हो तो यहाँ ना बैठे, तो जेल में होते, और जो जेल में बैठे वो भी पार हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा का तरीका और है और उनका जजमेंट और है। और कुंडलिनी आपके बारे में सब जानती है, वो आपको संभालेगी। आप मेहरबानी से अपने ऊपर न्यायाधीश मत लगाइए और अपने को मत सोचिए कि मैंने ये गलती करी, मैंने वो गलती करी, और अपने को भूषण मत दीजिए और अपने को गिराइए। पहली तो बात ये शर्त, और दूसरी शर्त यह है कि आप सबको एक साथ माफ कर दीजिए। पहले तो अंग्रेजों को माफ करिए, 300 साल हमारे कोकिल में बैठे, मैंने इतने अंग्रेजों को पार कराया है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। इन दुष्टों ने बहुत सताया, मुझे बहुत सताया, अच्छा चलो छोड़ो, लेकिन इससे पार हो गए। तो पहले तो इनको क्षमा करो, 300 साल अपने खोपड़ी पे बैठे और अपनी समय भी करा दी, झगड़ा लगा दिया और चल दिए। उनके यहाँ झगड़े अब बहुत हो रहे हैं, उसके फल भोग रहे हैं, भोगने दो, सबको माफ करो, सबको माफ करो। ये ना गिनते बैठो उसको माफ करना, जिससे तकलीफ थी कुछ, सबको एक साथ माफ करो, खुले दिल सबको माफ। आखिर आप माफ नहीं करते, करते हैं क्या, करते हैं कुछ नहीं करते, जानने की बात है, समझ की बात है कि जब हम कुछ करते ही नहीं तो बेकार में हम क्यों किसी के बारे में सोचे और अपना दिमाग और खराब। कृपया आप ऐसा करें, सबको एक साथ आप समा, बस यही दो शर्तें हैं। और तीसरी ये कि आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपको जबरदस्ती नहीं करते, परमात्मा ने आपको स्वतंत्रता दी। मैंने मिल गया, लेकिन इसका कुछ तो देना होगा, मैंने कुछ नहीं, बस चैतन्य। जब आप गंगा जी में स्नान करके आते हैं तो एक उसके साथ घाघर भी भर के आते हैं कि दूसरों को भी गंगा जल दे देंगे। इसी प्रकार ये दूसरों को चैतन्य दो और कुछ नहीं। जैसे एक दीप प्यारे एक दीप जल सकते हैं, आप सब लोग बहुत कार्य है नोएडा में कर सकते हैं, और उससे आगे मैंने सुना है कि हापुड़ में और गाजियाबाद में और उससे आगे मेरठ तक आप लोग पहुँच गए। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।